केसी करियप्पा की माने तो ऐसा कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल करियप्पा का कैरेक्टर, स्ट्रेंथ और हेल्थ भी बहुत बेहतरीन थे। इतना ही नहीं, उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही सफल और अच्छी थी। लेकिन शायद घरेलू खुशी एक ऐसी चीज थी जो उनको ठीक से नसीब नहीं हो पाई थी। करियप्पा के पिता मादप्पा, जिन्हें केसी करियप्पा थाथा कहकर पुकारते थे, उनका जन्म साल 1869 में 28 अगस्त को हुआ था। यूं तो लेखक को उनके शुरुआती जीवन के बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अम्मया थाई से उनकी शादी साल 1982 में हुई थी। अम्मया थाई कोडंडा वंश की लड़की थीं और उनका घर मुरनाद में था, जो मदिकेरी से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उनका परिवार थाथा के परिवार से काफी अमीर और प्रभावशाली भी था, क्योंकि उनके परिवार के ज्यादातर लोग मैसूर यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े पदों पर काम करते थे। थाथा ने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया और कोडागू में रहकर काम करने लगे। यहीं शनिवार सांथे में के एम करियप्पा का जन्म हुआ और उन्हें प्यार से चिम्मा कहा गया। उनके बड़े भाई का नाम अयान्ना था, जिनका जन्म 1894 में हुआ था। लेखक और उनकी बहन को कहा गया था कि वो अपने पिता के बड़े भाई को बल्लीअप्पा कहकर बुलाएं, लेकिन वो दोनों उन्हें अन्नाया पुकारते थे, क्योंकि उनकी परवरिश उनके पिता के बहन के घर ही हुई थी। टिम्मा के बचपन के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी हासिल नहीं हो पाती है, क्योंकि ऐसा कोई आसपास है ही नहीं जो इतने पुराने दिनों की घटना को याद कर बता सके। साल 1908 में थाथा का ट्रांसफर कुशलनगर हो गया, जिसे उस समय फ्रासर पेट के नाम से जाना जाता था। वहीं उनकी छोटी बेटी बोल्लम्मा का जन्म हुआ। लेखक के पिता और बोल्लम्मा के बीच और भी दो छोटे भाई बहन थे, नंजप्पा और पूअम्मा। उन दोनों का जन्म अम्मया थाई के मायके मुरनाड में हुआ माना जाता है। बोल्लू आंटी के जन्म के बाद पूरा परिवार मदिकेरी शिफ्ट हो गया, जहां लेखक के दादा यानी थाथा ने एक लाइम कॉटेज खरीदा और इसके बाद अपनी मृत्यु तक वो यहीं रहे। उनके छोटे बेटे बोपैया, जिन्हें लेखक पापू मामा कहकर पुकारते थे, उनका जन्म साल 1913 में इसी लाइम कॉटेज में हुआ था। चिम्मा, उनका बड़ा भाई अयन्ना और छोटा भाई नंजप्पा तीनों हर सुबह खाली पैर मदिकेरी के सेंट्रल हाईस्कूल में पढ़ने जाया करते थे। उनका कोई स्कूल यूनिफॉर्म नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि उनके घुटने तक के शॉर्ट्स और सफेद शर्ट पहनकर जाने को कहा जाता था। अम्मया थाई अपने बेटों के लिए केले के पत्तों में चावल, दही और अचार का लंच पैक कर देती थीं, ताकि खाना फ्रेश रहे। साथ ही उन तीनों को एक एक पैसे भी दिए जाते थे। कई बार तो स्कूल तक पहुंचने से पहले ही लंच खत्म हो जाया करता था और वो मिले हुए एक पैसे बादाम खरीदने में लगाए जाते थे। चिम्मा यानी के एम करियप्पा अपनी उम्र के हिसाब से काफी लंबे कद वाले थे और बहुत शैतान थे। उनके पढ़ाने वालों में हेडमास्टर सी रेंसफोर्ड थे, जो इंग्लिश पढ़ाते थे। बाद में मिस्टर डब्ल्यू एच व्हाइटवर्थ उन्हें इंग्लिश पढ़ाने लगे थे। चिम्मा को स्कूल के सभी लोग बहुत पसंद करते थे और उन्हें एक अच्छा बच्चा मानते थे। वहीं घर पर भी वो अपनी माँ की आंखों का तारा थे और हमेशा उनकी मदद करने रसोई में चले जाते थे। चिम्मा को अपने परिवार वालों के लिए खाना बनाना भी काफी पसंद था। चिम्मा की दोनों बहनें सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ती थीं, जो लड़कों के स्कूल से भी थोड़ी दूरी पर स्थित था। इतने सारे लोगों के एक साथ रहने के कारण कॉटेज हमेशा लोगों की गुनगुनाहट से भरा रहता था। अम्मया थाई के भाई बहनों के अलावा उनका पूरा परिवार भी इसी कॉटेज में रहता था। अम्मया थाई के सबसे बड़े भाई, जो कॉलोनल थे और आज भी बहुत फिट हैं, उनका जन्म साल 1917 में हुआ था। आज भी वो अपने बचपन की यादों में अपने भाई बहनों को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे वे सब साथ मिलकर जमीन पर सोते थे। सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक से इस परिवार के ऊपर से तब मानो छत गिर गई, जब साल 1924 के 1 अप्रैल को अम्मया ने सिर्फ 49 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थाथा तब तक सूबेदार बन चुके थे और उनके तीन लड़के अयन्ना, करियप्पा और नंजप्पा ने भी काम करना शुरू कर दिया था। लेखक के अनुसार उनके थाथा को बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता था और उनके सामने कोई भी अन्याय का साथ नहीं दे पाता था। लेखक के पिता इससे जुड़ी एक कहानी हमेशा उन्हें बताया करते थे। थाथा के एक दोस्त थे जो ट्रेडर थे और उन्हें किसी जुर्म के लिए दोषी माना गया था। जब ट्रायल के दिन उन्हें कोर्ट में हाजिर होना था, उस दिन सुबह ही थाथा ने उन्हें अपने घर पर नाश्ते के लिए बुलाया। उस दिन कोर्ट में भी अपने दोस्त के साथ थाथा को ही सूबेदार के तौर पर कोर्ट जाना था। कोर्ट में सुनवाई हुई और उनके दोस्त को जेल की सजा सुना दी गई।
जब अपनी सजा पूरी करके उनका दोस्त जेल से बाहर निकला, तब भी थाथा उनको लेने के लिए जेल पहुंचे और वहां से उन्हें लंच के लिए अपने साथ घर ले गए। दोनों के बीच के इस कोर्ट की सुनवाई ने कभी उनकी दोस्ती में कोई बदलाव नहीं लाया। लेखक का कहना है कि उनके थाथा अपनी ड्यूटी के बहुत पक्के इंसान थे। अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो कभी भी किसी चीज की परवाह नहीं करते थे। एक बार थाथा को पता चला कि उनके कॉटेज से 30 किलोमीटर की दूरी पर किसी की मौत हो गई है। उस समय तो ज्यादा बस और गाड़ियों का भी आना जाना नहीं था, रात भी हो गई थी, लेकिन थाथा इन सब से कहां घबराने वाले थे। उन्होंने जब एक बार ठान लिया कि उनको जाना है तो जाना ही है, और इसलिए उस रात थाथा घुड़सवारी करते हुए उस इंसान के अंतिम दर्शन करने पहुंच गए थे। लेखक कहते हैं कि अगर थाथा को इंटीग्रिटी, हॉनेस्टी और सच्चाई की मूरत कहा जाए तो ये बहुत हद तक सही भी होगा, और उनके इन्हीं गुणों ने लेखक के पिता के एम करियप्पा को भी उसी तरह बनने की प्रेरणा दी। करियप्पा के अनुसार उनके पिता यानी लेखक के थाथा एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिन्हें द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी कहा जा सकता है। थाथा किसी भी तरह के अन्याय के सामने दीवार बनकर खड़े हो जाते थे, चाहे हिपोक्रेसी हो या फिर रिश्वतखोरी। इन सबसे थाथा को बहुत ज्यादा नफरत थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी उसूल के साथ बिताया कि अपनी जिंदगी अपने दम पर जीनी चाहिए, कभी भी किसी से फेवर नहीं लेना चाहिए। उन्होंने अपने बेटों को भी हमेशा यही बात सिखाई है। लेखक केसी करियप्पा कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता को हमेशा थाथा को याद करते हुए देखा है। उनका मानना था कि उनके पिता ने हर वो जिम्मेदारी निभाई है जिससे कोडागु शहर का भला हो। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि उनके पिता के एम करियप्पा ने अपने पिता से डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी की सीख भी बहुत अच्छी तरह पाई थी। थाथा हमेशा एक जोधपुरी कोट और पैंट पहना करते थे, और साथ ही जब भी घर से बाहर पंक्चुअलिटी की सीख भी बहुत अच्छी तरह पाई थी। थाथा हमेशा एक जोधपुरी कोट और पैंट पहना करते थे, और साथ ही जब भी घर से बाहर जाते थे सिर पर एक पगड़ी भी पहन लेते थे। उन्होंने अपने बेटों को भी यही पहनावा सिखाया था। घर के आसपास के बच्चे उन्हें राम राम थाथा के नाम से जानते थे। के एम करियप्पा हमेशा एक घटना को याद करते थे जिसके अनुसार वो 17वीं राजपूत रेजिमेंट में तैनात थे, और इसी दौरान छुट्टियों में लेखक और उनकी मां को लेकर अपने घर आए थे। एक शाम ऐसा हुआ कि करियप्पा अपनी पत्नी के साथ किसी से मिलने गए और उन्हें घर आने में देर हो गई। तब तक थाथा अपने रात का खाना खा चुके थे। उस दिन थाथा ने सीधे मुंह करियप्पा से कह दिया कि चाहे वो रेजिमेंट के कितने भी बड़े अफसर क्यों ना हो, इस घर में वो थाथा के बेटे हैं और इसलिए उन्हें इस घर के नियम मानकर चलना होगा। इसके बाद करियप्पा ने देर से आने के लिए माफी मांगी थी। जब लेखक के पिता के एम करियप्पा सेंट्रल हाई स्कूल में भर्ती हुए तब उनकी मुलाकात उन अंग्रेजों से हुई जिनसे बाद में जाकर उन्होंने ट्यूशन लिया। करियप्पा अंग्रेजों के रहन सहन और पहनावे से बहुत इंप्रेस हुए थे। तब उन्होंने ठान लिया कि वो भी अब ऐसे ही बनेंगे, खुद को भी इतना ही वेल मेंटेन रखेंगे। इसके बाद करियप्पा ने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट और टेनिस के मैदान में भी अपना कमाल दिखाया और एक ऑलराउंडर छात्र बन गए। पहले वर्ल्ड वॉर का समय था, और उस समय कोडावा वंश के छोटे से छोटे लड़के के मन में भी सिर्फ देशभक्ति की ही भावना पनप रही थी। थाथा को तब भी अपने बेटों के भविष्य की थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी। इतना ही नहीं, जब से करियप्पा मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज जाने लगे थे तब से उनके मन में तो बस आर्मी अफसर बनने का जुनून सवार था। कॉलेज में रहते हुए उन्होंने देखा कि कई अंग्रेज सेना में भर्ती के लिए भारतीयों को मौका दे रहे हैं। अब के एम करियप्पा के सेना में भर्ती होने के रास्ते में एक ही चुनौती थी जिसे पार करना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। लेकिन वो मुश्किल क्या थी और क्या वो हल हुई या नहीं, ये हम आपको इस किताब की चर्चा के अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए आप सुनते रहिए कुकू FM।